A can do piece of work in 25 days and B can do piece of work in 30 days. They work together for 5 days and then A leaves. B will finish remaining work in. ठीक है, A जो है वो एक दिन का work है 1/25, B का 1/30. टोटल हो जाएगा 1/25 प्लस 1/30 इक्वल आ जाएगा 11/150, वन डे वर्क इन दोनों का, ए एंड बी का. अब देखते हैं ए एंड बी का 5 डे वर्क, सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 55/150 आ जाएगा. रिमेनिंग वर्क जो है बाकी रह जाएगा, ये तो 5 डे का है, रिमेनिंग वर्क टोटल वर्क माइनस 55/150, तो ये हमारे पास 19/30 आ जाएगा. अब बी फिनिश द होल वर्क इन 30 डेज, ठीक है, ये देखें बी फिनिश द होल वर्क इन 30 डेज, सो बी फिनिश 19/30 ऑफ द वर्क इन 30 × 19/30, तो 19 डेज आंसर आ जाएगा. रिमेनिंग वर्क है 19/30 और बी जो है वो होल वर्क 30 डेज में कंप्लीट करता है, तो बी कितने दिनों में 19/30 फिनिश करेगा, 30 × 19/30.